हम लोग यूपी में भी ममता को ही चाहते हैं। लेडीज में सबसे जबरदस्त है मोदी, उसके पास कुछ नहीं। जैसे अभी केशव प्रसाद मौर्य ने भाषण दिया था ये मस्जिद के बारे में, मेरी उम्र करीब 65 साल है, हिंदू मुस्लिम आपस में बिल्कुल भाई भाई हैं, बिल्कुल हम भी जानते हैं इतने, इस बात को आप भी देख रहे हो। हाँ बिल्कुल, वही धंधा हमारा है, हम लोगों का है, वही हिंदू मुस्लिम भाइयों का है, बिल्कुल यहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, साथ में रह के सब काम, साथ में रह के सब काम कर रहे हैं। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मथुरा की जनता क्या चाहती है, अब की बार किसकी सरकार। बाबा जी ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? वो ही आएगी, मोदी जी आएगी, मोदी जी की आएगी। मोदी जी की क्यों आनी चाहिए? मोदी जी काम कर रहे हैं, बढ़िया काम बढ़िया चल रहा है, बीजेपी की सरकार ही चाहते हैं। चौबे इस सरकार ने बहुत विकास किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ भी सामने गेट बन रहा है, जो है गेट का भी काम चल रहा है, यहाँ पे भी काम चल रहा है, आप देख सकते हो सभी जगह पे। अच्छा। मेरा तो केवल इतना ही कहना है, आज हमारे यूपी में पूरे भारत में योगी और मोदी ना होते और तीसरे बहुत सहयोग करने वाले अमित शाह, जो कि बहुत बड़ी उनकी भूमिका रहती है, वो तीनों जने अगर नहीं होते तो देश हमारा क्या से क्या हो जाता। अच्छा। क्योंकि कोरोना में बहुत लोगों की, इन लोगों ने बहुत सहायता की है और बहुत ज्यादा उन्होंने जाने बचाई हैं। इसकी बार किसकी सरकार आनी चाहिए? यही सरकार आनी चाहिए, यही सरकार आनी चाहिए मोदी जी की। पूरी पूरी मदद मिल रही है, मदद मिल रही है। हाँ। मथुरा से आप? हाँ। लोकल से हैं? मथुरा से ही है? हाँ। अच्छा। पैसे ही मिलते हैं। और पैसे में क्या मिलता है? पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन या क्या मिलता है? पेंशन हमको मिलता है, पेंशन मिलता है। और राशन वगैरह तो मिल ही रहा है? राशन को मिल गया, डबल डबल मिल गया। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम वासुदेव पंडित है। अच्छा मथुरा से ही हैं आप? जी हाँ। अच्छा अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? तो सरकार किसकी आनी चाहिए? निष्पक्ष अपने हिसाब से बताइए। जो यहाँ काम करेगा। कौन काम कर रहा है यहाँ पे? काम तो इस समय तो योगी जी के ठीक है। अच्छा योगी जी के ठीक ठाक काम है? योगी जी के ठीक है, यहाँ का जो विधायक है उसके बारे में कह नहीं सकते। जो जिनका लगाव है बीजेपी से वो केवल योगी और मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं। अच्छा यहाँ लोकल के जो विधायक हैं उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है? उनके हिसाब से तो ये तो पर्सनैलिटी अपनी अपनी। अच्छा। कौन किस हिसाब से किसको डील करता है, कौन किसको डील करता है। तो ये बताइए जैसे ऊपर से योगी जी क्या कर रहे हैं और ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं? योगी जी जो करना है वो कर रहे हैं अपना काम। अच्छा ये कुछ लोग ऐसे किसी थोड़ी सी बात को हवा बना देते हैं, जैसे अभी केशव प्रसाद मौर्य ने भाषण दिया था ये मस्जिद के बारे में, अगर वोट देना है बीजेपी को देना है तो योगी और मोदी के नाम से देंगे। सांसद है हेमा मालिनी जी। अच्छा उन्होंने कितना विकास कराया है। अच्छा। अगर इस बारे में अगर आप इंक्वायरी करें गांव-गांव जाकर के, जिस गांव को उन्होंने सबसे पहले गोद लिया था बजाय वो सांसद होते ही, गांव कौन सा है? रावल। अच्छा। जहाँ राधा रानी का जन्म स्थान है उस गांव को आप स्वयं जाके देख लीजिए क्या कंडीशन है गांव की, मतलब कोई विकास नहीं, कोई रास्ता भी नहीं है वहाँ जाने के लिए, आज उस अवसर पहुँच भी जाए वहाँ। हेमा मालिनी जी महीने में एक बार आ जाती है, वो केवल मोदी के नाम से आ गई थी, फिर भी वही है, एक आदमी तो वृंदावन का निवास स्थान बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं यहाँ पे आती रहती हैं? आती रहती हैं, वो तो वृंदावन हर महीने आती रहती हैं। विकास के नाम पे यानी उनका ध्यान नहीं है। अच्छा। विकास तो जो हो रहा है राम भरोसे वो हो ही रहा है, अब यहाँ विकास हुआ है, ये इतना मंदिर का गेट बना हुआ है, ये गेट बना हुआ है, चारों तरफ काम हो रहा है, ये सब वही से हो रहा है ऊपर से। मीना कहाँ से आई हैं आप? हम लोग कलकत्ता से आए, दर्शन करने आई हैं भगवान का। हाँ दर्शन करके गए थे फिर आ रहे हैं, कल घर चल जाएंगे। अच्छा। तो प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी सरकार आप चाहती हैं तो क्या कहेंगे? हम बोले हम लोग ममता को चाहते हैं। नहीं ममता का तो अभी हो सकता है, हो सकता है, हम लोग ममता का ही दल का है। अच्छा। हम लोग ममता का सपोर्ट करते हैं, हम लोग कलकत्ता का है, हम लोग को चाहते हैं, हम लोग यूपी में ममता को ही चाहते हैं। लुधियाना से? लुधियाना से। क्या नाम है आपका? राजीव। दर्शन करने आए हैं? यस। अच्छा कैसा लगा दर्शन करने? बहुत बढ़िया। योगी जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में उनका काम कैसा है? जो उत्तर प्रदेश वासी हैं शायद उनको उनके कामों के बारे में नहीं पता है, जो आदमी काफ़ी समय के बाद यूपी आता है उसको पता चलता है कि कितना काम हुआ है। योगी जी ने बहुत ही कार्य किया है, यूपी जो हमेशा जानकारी यूपी की हमेशा यूपी हमेशा जानकारी के लिए गुंडागर्दी जबरदस्ती के लिए। अच्छा अच्छा 100% ऐसी ऐसा यूपी कभी हमने कभी देखा ही नहीं है, चमका दिया उन्होंने यूपी की मानसिकता बदल दिया लोगों की। दर्शन करके अच्छा लगा? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए योगी जी को जानती हैं उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कैसा काम कर रहे हैं वो? तो उतना हम लोग तो निकलते नहीं उतना जो मालूम है। अच्छा अच्छा, हम लोग कलकत्ते से है ना इसीलिए हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा तो वहाँ पे दीदी कैसा काम करा रही हैं? दीदी तो अभी ठीक अभी तो हम लोग का दीदी ठीक ही है, ठीक ठाक है।